स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। कहाँ गई ये लड़की? कमाल है। आप यहाँ भी हैं और वहां भी, तो फिर क्यों सब भेदभाव करते हैं? ये लीजिए, पानी पीजिए। तेरे हाथों में तो जादू है बेटा, तेरे हाथ से पानी लिया, खांसी तो एकदम बंद हो गई। जादू मेरे हाथों में नहीं, जादू गंगा जल में है। कौन है तू? क्या नाम क्या है बेटा तेरा? पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत भाई पारिक। हेमंत भी और भाई भी, ऐसा क्यों? बेटा माँ बाप ने मेरा नाम है हेमंत रखा था, उसके बाद दोस्तों ने भाई लगा दिया। अब तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है अवनी। अवनी, अवनी बेटा कहीं तू वही अवनी तो नहीं है जिसे मेरी बेटी ढूंढ रही है कब से? तेरी आंखें भी वैसी है जैसे वो बताती है, बड़ी बड़ी। बेटा तू यही रुक, तू यही रुकना। मैं अभी आया। अरे नीला, नीला, नीला। ये चीज लौटाने आई हूँ। अभी आओ, आजा। क्या सरप्राइज है? अरे आओ तो, ये तो थी। कौन? अरे एक बच्ची थी। बच्ची? अवनी नाम था उसका। क्या थी? बेटा जैसे तुम बताती हो ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी, वो वैसी ही थी, तो मुझे लगा कि ये नीला की अवनी है, इसलिए मैं तुझे बुलाने गया। वो कहाँ गई? ओ, उसका नाम अवनी था। जानते हो उसे? बोलो। हाँ, वो स्कूल के लिए कुछ डोनेशन लेने आई थी, पैसे लिए चली गई। मैंने नाम नहीं पूछा था। आशीष, यही तो मैं बता रही थी तुम्हें उस दिन दिवाली की पूजा जब हम कर रहे थे, तुम्हारे कमरे में मैंने एक बच्ची को देखा है। मैंने कहा था तुमसे, हो सकता है ना कि ये जो आज थी ये उस दिन भी वही बच्ची थी। हाँ, हो सकता है। सी आशीष, आई वाज टेलिंग यू। तो क्या
तो क्या मतलब बाबा वो अभी गई ना? हाँ अभी थी, बाहर ही होगी। मैं देख क्या कर रही हो? अरे वो बाहर ही होगी। मैं जा, अरे तुम हर अवनी के पीछे भी जाओगी क्या? नहीं, व्हाट आर द चांसेस कि जिस अवनी ने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें हेल्प किया था, वो यहाँ पर हो सकती है? कम ऑन, थिंक अबाउट। पर देख लेती हूँ ना आशीष, बी रियल। चलो नहीं नीला, आशीष ठीक कह रहा है, कोई और होगी वो। अच्छा चलो एक बार कैटरर तो फाइनल कर लें। कहाँ है दया? आखिरी बार तुझे कह रही, चुपचाप ये पैसे उठा और अपनी माँ के साथ ये शहर छोड़ के चली जा। और मैं भी आपको आखिरी बात बोल रही हूँ, ना ही हमें आपके ये पैसे चाहिए और ना ही हमें शहर छोड़कर जाएंगे। तू मुझे गुस्सा मत दिला, तू मुझे जानती नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। जा रही हूँ मैं। जा, इधर नहीं, रो। यहां से चली जा और वापस लौट के नहीं आना। चल निकल। और आप भी हमारी जिंदगी में वापस कभी मत आइएगा। मिस मैरी कहती है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। काका आपको पूछ रहे हैं। केतन, इसकी सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी मेरी जैसी है। आखिर खून तो चल उठा लो, उसे रख दो ऊपर कमरे में। अपनी अभी तक पैसे देकर लौटी नहीं, कहीं उन लोगों ने कुछ। आशा क्यों ऐसी बातें सोच रही है तू? कुछ नहीं होगा अवनी को, टीकू गया है ना उसके साथ। तो क्यों ऐसी बातें कर रही है? चल अंदर चल, आजा बैठ जा। ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, तुझे आराम करना चाहिए। आराम अब कहाँ है ताई? अभी तो जद्दोजहद का वक्त है। कुछ समय में पैसे खत्म हो जाएंगे, पर खर्चे खत्म नहीं होंगे। अपनी के स्कूल की फीस, बिजली का बिल, घर का राशन पानी। पे आशीष पैसे नहीं दे रहा? देना चाहते हैं ताई, पर अब मैं उनसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? उनके शादी के फैसले के बाद रिश्ते बदल गए ताई। अब मुझे काम की तलाश करनी होगी। तू फिर से एक्टिंग क्यों नहीं शुरू कर देती? नहीं ताई, मैं दोबारा उस दुनिया में नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ और काम देखना होगा। एक काम कर सकती है तू, वो क्या है ना, अशोक के ऑफिस में जो टिफिन सर्विस प्रोवाइड करता है, वो
वो कुछ दिनों के लिए गांव चला गया है, तो अगर चाहे तो मैं अशोक से बात कर लेती हूँ। पर ताई, क्या मैं ये कर पाऊंगी? ऑफ कोर्स मम्मा, तुम कर पाओगी। अरे, कहाँ थी तू इतनी देर? पता कब से तेरा वेट कर रही हूँ। अच्छा पता क्या हुआ वहां पे? और टीकू कहाँ है? चल मम्मा, इतने सारे क्वेश्चंस, रैपिड फायर राउंड है क्या? मिसेस दयावंत के मेहता ने मिलने में थोड़ा टाइम लगाया, पर मैं पैसे सिर्फ उन्हीं को देना चाहती थी, क्योंकि कल को वो कह सकती है कि मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। वहां कुछ नहीं हुआ मम्मा, वहां पर सब डरे हुए लग रहे थे। और टीकू दरवाजे के बाहर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, कह रहे हैं आज मैं घर नहीं जाऊंगा। और लास्ट में, ओ तो तुम तब से वेट कर रही हो जब से मैं यहाँ से पैसे लेकर उन्हें देने गई थी। अग्गू भाई, कितनी गोड़ गोड़ बोलते इसका। अच्छा आशा, मैं अब चलती हूँ, अशोक आने का वक्त हो गया। आशा, तो क्या मैं अशोक से वो टिफिन सर्विस के बारे में बात करूं? अब बात कीजिए। अवनी बेटा, मैंने ऐसा पहले किया नहीं है। मामा, तुमने जिंदगी में ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो कोई नहीं लेता। तब नहीं डरी तो अब क्यों डर रही हो? करेंगे, मिलकर करेंगे। ठीक है ताई, आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलती हूँ मैं। यस, तुम काम करना और मैं नाम कमाऊंगी। नाम? कैसा नाम? पता नहीं मम्मा, लेकिन बहुत बड़ा नाम। मैंने मिसेस मेहता से कहा है एक दिन वो लोग मेरे नाम से जाने चाहेंगे। अग्नि, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। बेटा भूल जाओ उन लोगों को, वो लोग बहुत बड़े हैं, हमें कोई झगड़ा नहीं मोल लेना उनसे। वो चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम कमाना है। अग्नि 10 साल की है तो पहले पढ़ाई कर ले, फिर नाम कमा लेना। हाँ मम्मा, मैं पढ़ाई भी करूंगी और साथ साथ नाम भी कमाऊंगी। मां टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की चेयरपर्सन और इस इवेंट की इंचार्ज, इसलिए जो फैशन शो हो रहा है वो बहुत स्मूथली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जी जी, मैं आपको फोन करता हूं। जी, कुछ चाहिए भाई? फैशन शो है इस बार, माँ ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। क्यों जलन हो रही है? छोटे भाई से क्या जलन यार। हाँ, फिक्र जरूर होती है, कहीं तू माँ जैसा ना बन जाए। अब आप माँ में खराबी निकालने लगे हो? कित, माँ माँ होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ में कोई खराबी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि उनकी नफरत मत अपनाना। मैं मां का प्यार पाने के लिए उनकी नफरत को अपना चुका हूं, आपने नहीं अपनाया। ऐसा मत करके था, तुझे पता नहीं कि तू मां का प्यार पाने के लिए क्या क्या कर बैठेगा। उनका प्यार पाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूं, कोई भी कीमत चुका सकता हूं। भाई, मां का प्यार तो अनमोल होता है, वो कोई कीमत चुकाने पे नहीं मिलता। ये तो अपना अपना नजरिया, जिसको मिला सो कदर नहीं, और जिसको नहीं मिला
वो उसकी कदर समझता है। ठीक है, ये बता अवनी क्यों आई थी मां से मिलने? मां से पूछो ना। अरे क्या हुआ, मां पूरी बात बताती नहीं है क्या? मां का लाडला है ना तू, ये सारी नफरत अपनाने के बाद भी तू पूरी तरह लाडला नहीं बना लगता है। गलतफहमी सबको होती है, कोई नहीं मैं दूर कर देता हूं। मां ने मुझे भेजा था उधर वालों के यहां पैसे लेके। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? इसको मां का बड़प्पन समझो कि इतना सब कुछ होने के बाद मां ने उनके बारे में सोचा, लेकिन उन लोगों ने मां की कदर नहीं की। वही पैसे देने आई थी वो लड़की। दोनों मां बेटी खुद्दार है। क्या खुद्दार है? खुद्दार नहीं, बदतमीज है। मां के पैसे वापस लौटा के उन्होंने मां के साथ बदतमीजी की है। खुद्दार है। मां की नफरत ने तुझे अंधा कर दिया है केतन, इसीलिए तू नहीं समझ पा रहे। अच्छा, और आपको समझ में आ रहा है? मां का बड़प्पन नहीं दिखा, उनकी खुद्दारी दिखती है। सही कहती है मां, अंधे हो गए आप। केतन, हो सके तो बड़े भाई की एक बात याद रखना, ये खुद्दारी, घमंड, प्यार, नफरत, सही गलत, ये सब नजरिए होते हैं, वक्त और मतलब के साथ बदलते रहते हैं। शुडी और अवनि बिना पैसे गुजारा कैसे करेंगे? इसी जगह पर अवनी ने मेरी जान बचाई थी, पर ऐसी जगह पर अवनी क्या कर रही थी? स्ट्रेंज। डेंजर भी था, अगर वो गुंडे हमें पकड़ लेते तो। ये देख, 10 लोगों ने क्लिप को लाइक किया है। डेंजर, ये हैंडराइटिंग तो बच्चों की लग रही है। ये गलत हुआ। आइडिया, हम चमको से पूछे क्या? चमको? हाँ हाँ, चमको हमारी फिश है, इस पॉन्ड में रहती है। अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो ना तो आंसर देती है कि ऐसा होता है कि नहीं। What? मुझे नहीं पूछना चमको से, मैं जा रही हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।